दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुधीर शर्मा। यह साल 2020 सारी दुनिया के लिए यादगार बन गया है। इस साल ने बहुत कुछ दिखाया और बहुत कुछ समझाया है। अब इस वर्ष की विदाई का वक्त है और नए साल 2021 के स्वागत का समय है। लेकिन 2020 को विदा करने से पहले आइए इस साल के 365 दिनों पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर यह साल यादगार क्यों रहा, क्यों सुर्खियों में रहा। शुरुआत पहली घटना से करते हैं। बहुत उम्मीदों के साथ 2020 का स्वागत किया गया था, लेकिन मार्च आते ही वक्त ने ऐसी करवट ली कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। 25 मार्च से लेकर आज तक देश इस लॉकडाउन का दंश झेल रहा है और काम धाम रोजगार और जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश चल रही है। दूसरी घटना जो दिल्ली में हुई, नागरिक संशोधन कानून CAA को लेकर लंबे समय तक शाहीन बाग और देश के दूसरे हिस्सों में आंदोलन चला। इसी साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए संशोधित श्रम कानून पेश किया। इसे यूपी समेत बीजेपी शासित 7 राज्यों में लागू किया गया। कानून के मुताबिक 12 घंटे काम करने को घटाकर अब 8 घंटे कर दिया गया। वर्ष 2020 में ही देश के सबसे विवादित अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मंदिर के निर्माण का रास्ता खुल गया है। इसी साल हिंदुस्तान की नई संसद भवन का भी शिलान्यास हुआ। कई दशकों से दिल्ली की संसद भवन को छोड़कर नया संसद भवन बनाने की मांग चल रही थी, जिसे मोदी सरकार ने साकार कर दिया है। वर्ष 2020 में ही देश में पहली बार ड्राइवर के बिना मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ। यह आधुनिक तकनीक से ड्राइवर के बिना चलने वाली मेट्रो ट्रेन है जो दिल्ली में चलाई जा रही है। इसी साल लॉकडाउन के दौरान देश में सबसे बड़ा पलायन देखने को मिला। आज़ादी आंदोलन के पश्चात 1947 के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पलायन था, जब करोड़ों प्रवासी मजदूरों ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पलायन किया। इन्हें मदद करने के मामले में अभिनेता सोनू सूद ने गजब की भूमिका निभाई। तमाम लोग आज उनकी तस्वीर लगाकर भगवान की तरह उनकी पूजा करने लगे हैं। इसी साल 2020 में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और किसान रेलगाड़ियां भी चलाई गई, जो प्रवासी मजदूरों और किसानों के लिए वरदान साबित हुई। एक ने मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया, जबकि दूसरी किसान ट्रेन ने किसानों की फसलों को एक राज्य से दूसरे राज्यों के बाजार तक पहुंचाने का काम किया। अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। यहाँ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे पहली बार ऐतिहासिक दिशा कानून बनाया गया, जिसमें रेप विक्टिम को मदद करने और अपराधियों को 21 दिन के भीतर सजा देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020 में ही मुंबई बॉलीवुड की कई फिल्मी हस्तियाँ भी हमारे बीच से चली गईं। इनमें युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान, संगीतकार साजिद वाजिद जोड़ी के वाजिद खान जैसे तमाम सेलिब्रिटी शामिल हैं जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। 2020 की ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो सदा याद रहेंगी। अधिकांश लोग यही कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन किसी शायर की नज़र में क्या बदला है, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। शाम हुई थी सुबह वही, नया नया क्या है, दीवारों पर बस कैलेंडर बदला बदला है। दुनिया वही और वही है दुनियादारी भी, सुख दुख वही वही जीवन की मारा मारी भी। लूटपाट चोरी मक्कारी धोखा घपला है, दीवारों पर बस कैलेंडर बदला बदला है। लेकिन हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि नए साल 2021 में सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदलेगा, बल्कि हमारे हालात भी जरूर बदलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी वन इंडिया। हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।